वाराणसी की ज्ञान वापी में सर्वे का काम लगातार किया जा रहा है। सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण ज्ञानवापी परिसर का सर्वे सिर्फ 4 घंटे ही हो पाया, लेकिन आज एसआई की टीम सुबह 8 बजे से ही सर्वे के काम में लगी हुई है। अब तक के शुरुआती दौर में सर्वे टीम ने ज्ञानवापी के पश्चिमी दीवार से लेकर गुंबद और व्यास जी वाले तहखाने की 3D इमेजिंग, मैपिंग, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की है और अब तक किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एएसआई की सर्वे टीम के हेड और एडिशनल डायरेक्टर जनरल आलोक त्रिपाठी कल दिल्ली में थे, जहां एएसआई के सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें तय किया गया कि सर्वे के लिए IIT रुड़की की भी मदद ली जाएगी। वहां से 3 एक्सपर्ट जल्द ही सर्वे टीम में शामिल होंगे। इसके अलावा एएसआई की टीम IIT कानपुर के प्रोफेसर जावेद मलिक की भी मदद ले रही है। सर्वे के दौरान सुरक्षा के लिहाज से किसी को भी अंदर कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बता दें कि सोमवार से लगातार गुंबद के बाहरी और भीतरी हिस्से की मैपिंग का काम किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि गुंबद के पात्री हिस्से की बनावट मंदिर के शिखर की तरह है। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि 1-2 दिन में GPR सर्वे शुरू हो सकता है। एएसआई के विशेषज्ञों ने 3 गुंबदों की जांच भी की। उन्होंने गुंबदों के नीचे मंदिर के शिखर जैसा ढांचा मिला, जिन पर फूल, पत्तियां, कमल के फूल आदि की स्पष्ट आकृतियां हैं। पश्चिमी दीवार और मंदिर दिशा में बाहरी हिस्से की जमीन की जांच भी की गई है। हाल में अब तक मंदिरों में दिखने वाले 20 से अधिक ताखे मिले हैं। इनकी संरचना और उनके आसपास उभरे चिन्हों की 3D इमेजिंग भी की गई है। दक्षिण गुंबद में भी शिखर जैसे ढांचे पर फूल, पत्ती आदि हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह उकेरे हुए मिले। टीम ने इन आकृतियों की बनावट देखी और उसके आकार आदि के बारे में नोट किया। उन्होंने तीनों शिखरों के बीच गोल चिन्ह पाया, जिसे मंदिर के शिखर पर ध्वज के लिए बनाया जाता है। इन शंकुकार शिखरों का उल्लेख एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई की रिपोर्ट में भी किया गया है। सर्वे के दौरान टीमों का फोकस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप 1832 में तैयार किए गए आदि विश्वेश्वर मंदिर के नक्शे का सहारा लेकर मस्जिद के 3 गुंबदों और उसके नीचे स्थित मुख्य हॉल के साथ ही मस्जिद की पश्चिमी दीवार और तहखाने पर रहा। गुंबदों और उसके नीचे के हॉल की कई मशीनें लगाकर जांच की जा रही है। फिलहाल GPR से सर्वे शुरू नहीं हो सका है। सर्वे में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता शामिल हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि एएसआई की टीम बड़ी बारीकी से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रही है। सर्वे करने वाली टीम हर जगह जाकर साक्ष्यों की जांच कर रही है। यह एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई से काफी अलग है। सर्वे पूरा होने में भी समय लगेगा और ये उम्मीद करना उचित नहीं है कि हर दिन कुछ नई बात सामने निकल कर आएगी। सर्वे पूरा होने पर रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी जाएगी।